गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फोर हार्ड टू बिलीव। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक मोंटी है, मम्मी ने मोंटी की गंदी जो यूनिफॉर्म है उसको धोने के लिए एक पैकेट डिटर्जेंट का न्यू पैकेट खोलती है, उसमें से एक बुकलेट बाहर निकलती है। मम्मी जो है वो मोंटी को उसे दे देती है और उस बुकलेट में एक पज़ल रहता है जिसे बच्चे को सॉल्व करना होता है। उस पज़ल को जो भी जीतेगा उसको कंपनी के द्वारा एक इंटरेस्टिंग जो प्रेजेंट है उपहार है वो दिया जाएगा, ऐसा कंपनी ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था। तो उसमें उसके बाद जब वीकेंड होता है, सप्ताहांत होता है, तो मोंटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अनाउंस करती है कि एक अमेजिंग फैक्ट का, जिसमें सभी क्लास को प्रेजेंटेशन अपना अपना देना था, जिसमें मोंटी का सिलेक्शन भी उसमें हुआ था। स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर 3 सिलेक्शन हुए थे, कंटेस्टेंट नंबर 1, कंटेस्टेंट नंबर 2 और कंटेस्टेंट नंबर 3। तो आज हम कंटेस्टेंट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या था जिसे स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर रखा गया था। पहला दिया है विंग विक्ट्रिस। विंग यानी क्या होता है? पंखों वाली जीत। अ स्टोन एंड पैरोट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन न्यू दिल्ली। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन। स्टोलन पैरोट यानी क्या होता है? चोरी का तोता। पैरोट यानी क्या होता है? तोता। ब्रॉट टू द कोर्ट, कोर्ट यानी क्या होता है? दरबार या कोर्ट, है ना। एज अ विटनेस, विटनेस यानी होता है गवाह, इन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। चोरी के तोते को नई दिल्ली में गवाह के तौर पर कोर्ट लाया गया। चोरी के तोते को नई दिल्ली में गवाह के तौर पर कोर्ट लाया गया, विटनेस ने गवाह। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन। यह जो है, ठीक है, यह जो है वो आइडेंटिफाई यानी कि पहचान इट्स रियल ओनर, अपने असली मालिक की, वह जो है वो अपने असली मालिक की पहचान कर सकती थी बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन। हर यानी जो मालिक के बेटे हैं या बच्चे हैं, है ना, उसके मालिक के जो बच्चे हैं उसके नाम को दोहरा कर कैसे पहचान कर सकती थी? अपने जो मालिक है उसके बच्चों के नाम को दोहरा कर पहचान कर सकती थी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यह अपने मालिक के बच्चों के नाम को दोहरा कर अपने असली मालिक की पहचान कर सकती थी। तो देखते हैं, अ स्टोलन पैरोट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट एज टू अ विटनेस इन न्यू दिल्ली। चोरी के तोते को नई दिल्ली में विटनेस यानी कि गवाह के तौर पर कोर्ट लाया गया। यह अपने मालिक के बच्चों के नाम को दोहरा कर अपने असली मालिक की पहचान कर सकती थी। इन 1936 अ हैन वॉज ट्रैप इन अ क्रेट व्हेन अ वॉलिंग स्ट्रोम डिस्ट्रॉय द टाउन ऑफ जेनेसविला गॉर्जिया। 47 डेज लेटर इट वॉज rescued and it had survived by eating its own age. In 1936 में, यानी क्या होता है? एक मुर्गी was trapped यानी फंसना in a crate when a violent यानी कि हिंसक violent हिंसक स्ट्रोम तूफान डिस्ट्रॉय नष्ट होना द टाउन ऑफ जेनेसविला गॉर्जिया। गॉर्जिया का एक टाउन है जिसका नाम था जेनेसविला, ठीक
ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि 1936 में एक मुर्गी एक टोकरे, क्रेट यानी टोकरा, एक टोकरे में फंस गई थी। कब फंस गई थी? जब एक हिंसक तूफान ने जेनेसविला नाम का जो शहर है, जो कि गॉर्जिया में है, उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1936 में एक मुर्गी एक टोकरे में फंस गई थी जब एक हिंसक तूफान ने गॉर्जिया के जेनेसविला शहर को नष्ट कर दिया था। 47 डेज 47 दिन बाद इट वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यूड यानी बचाना, 47 दिन बाद उसे बचाया गया। एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन ए, देखो जब वो फंस गई थी, कौन, हैन मुर्गी है ना, वो फंस गई थी, उसको कितने दिन बाद बचाया गया, 47 दिन बाद। तो 47 दिन उसने क्या खाया, क्या कैसे अपने आप को वो बचा के रखी, कैसे वो जिंदा रही, उसके लिए बताया गया है कि 47 दिन बाद उसे बचाया गया। और वो कैसे अपना सर्वाइव कर रही थी, अपना ही अंडा खाकर, ठीक है। इट हैज सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन एज, वह अपने अंडे खाकर बच गई थी। क्या? तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से पढ़ लेते हैं। इन 1936 अ हैन वॉज ट्रैप इन अ क्रेट व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ जेनेसविला गॉर्जिया। 1936 में एक मुर्गी टोकरे में फंस गई थी जब एक हिंसक तूफान ने गॉर्जिया नामक गॉर्जिया के जेनेसविला शहर को नष्ट कर दिया था। 47 दिन बाद उसे बचाया गया, उसने अपने ही अंडे खाकर अपना सर्वाइव किया, अपना जिंदगी जिया, है ना, कि यह अपने ही अंडे खाकर बच गई थी। कंटेस्टेंट नंबर 2, प्रतियोगी सेकंड, मिरेकल मैन, चमत्कारी पुरुष। Francesco Latini of Sicily, Italy was a master musician. He lived in 1930s. He was a famous soccer player. He had 3 legs and that was a great advantage for him as a player. आपको इमेज में दिख रहा है कि उनके कितने पैर हैं, 3 पैर हैं, ठीक है। तो Francesco Latini of Sicily, इटली, ठीक है, इटली के जो सिकली नाम का एक शहर है, इटली के सिकली के Francesco Latini एक कुशल संगीतकार थे, मास्टर यानी महान, कुशल म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार, वॉज लगाते थे। ही लिव्ड इन 1930s यानी कि 1930 के दशक के वे रहने वाले थे, लिव्ड यानी रहना। ही वॉज अ फेमस सॉकर प्लेयर, वे जो एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर थे। ही हैड 3 लेग्स, उनके 3 पैर थे, आपको दिखाई दे रहा है, उनके पास 3 पैर थे। और एंड दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर, और यह उनके लिए एक एडवांटेज था, एक लाभ था फॉर हिम, उनके लिए एज अ प्लेयर, खिलाड़ी के रूप में, और एक खिलाड़ी के रूप में यह उनके लिए एक बड़ा फायदा था, लाभ था। Francesco Latini of Sicily, इटली के जो सिसली के Francesco Latini हैं, एक महान संगीतकार थे, वे 1930 के दशक के रहने वाले थे, और वे एक फुटबॉल, बहुत ही महान फुटबॉल प्लेयर थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। He had 3 legs, उनके पास उनके 3 पैर थे, and that was a great advantage for him as a player, और एक खिलाड़ी के रूप में यह उनके लिए एक बड़ा लाभ था, फायदा था। Liu Thru Lin of Gagan Rapid, Malaysia can lift more than 60 pounds of weight attached to a metal plate against
his chest or stomach. Lean in 71 years old and it called the Magnet Man. गगन रपट मलेशिया के जो ल्यूथ्रोलिन है अपने सीने या पेट के खिलाफ धातु की प्लेट से जुड़े 60 पाउंड से अधिक वजन उठा सकते थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? मलेशिया के रहने वाले हैं। उनका नाम क्या है? ल्यूथ्रोलिन। ठीक है, गगन के रहने वाले हैं जो कि मलेशिया में है। वे क्या कर सकते हैं? अपने चेस्ट और पेट पर, है ना, चेस्ट और स्टमक लिखा है, अपने चेस्ट यानी सीने और पेट के अगेंस्ट के खिलाफ, यानी कि उतना वेट वो उठा सकते थे। आपको इमेज में दिख रहा है, चेस्ट पर रखे हुए हैं, पेट पर रखे हुए हैं 60 पाउंड, यानी कि 60 पाउंड मोर देन अधिक, है ना, मोर देन यानी 60 पाउंड, 60 पाउंड से भी अधिक वजन वो उठा सकते थे। लिफ्ट यानी उठाना, उठा सकते थे, वजन वेट, है ना, वेट को वजन कहते हैं। लीन इन 17 ईयर्स ओल्ड, लीन जो है वो 71 साल के थे, एंड इट वॉज अ मैग्नेट मैन, और उन्हें एक मैग्नेट मैन कहा जाता था, चुंबकीय पुरुष, है ना, मैग्नेट एंड चुंबकीय। नट बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयरनेस बेयर चेस्ट। जो नट है, बुलेट्स हैं, एंड जो टूल्स हैं वो डैंगलिंग यानी झूलना, ठीक है, उनके बेयर चेस्ट यानी कि खुले सीने, है ना, खुले सीने पर झूलते रहते थे, लटकते रहते दिखाई देते थे, लटकते हुए दिखाई देते थे। इन 2001 में ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू अ चेन अटैच्ड टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट। 2001 में उन्होंने अपनी छाती से चिपकी एक प्लेट से जुड़ी चेन से जुड़ी एक कार खींची। ऑल द थ्री सन्स ऑफ लीन, लीन के जो तीन बेटे हैं, एंड हिज टू ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके जो दो पोते हैं, आल्सो हैव द मैग्नेट एबिलिटी, उनके पास भी यह चुंबकीय क्षमता है। तो यह था प्रतियोगी नंबर 2 का प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि प्रतियोगी नंबर 3 क्या है।